मेर मुझे लग रहा है कि देखिए जो हेडविंड्स आपने कहा, जैसे क्रूड प्राइसेस की बात की, इन्फ्लेशन हो गया, यूएस टेपरिंग हो गया, हमको लग रहा है कि देखिए इस बाजार में इन्वेस्टर्स को ऐसी कंपनीज पे फोकस करना चाहिए जो ज्यादातर यू नो डेट फ्री है, थोड़ा सा रीजनेबल डेट बैलेंस शीट पे, और जहाँ पे कैश फ्लो जनरेशन बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि इन्वेस्टर को ऐसे खरीदने के मौके अभी ऐसे क्राइसिस के टाइम पे ही मिलते हैं, और अच्छे सेक्टर्स में अगर कोई अभी निवेश करता है तो मुझे लग रहा है कि जो अल्फा जनरेट होगा आगे वो काफी सिग्निफिकेंट होगा। हालांकि ये रशिया यूक्रेन का जो मैटर है वो अभी कहना मुश्किल है कि कितने दिन चलेगा, कभी होगा। मार्केट डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल रहेगी, बट मुझे लग रहा है कि जो चुनिंदा सेक्टर्स है जैसे कि कैपिटल गुड्स है, हेल्थ केयर है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट के मौके अभी भी हमको दिख रहे हैं। इनफैक्ट हेल्थ केयर की बात करें तो पिछले हफ्ते फोर्टिस हेल्थ केयर ने बहुत ही बेहतरीन नंबर्स डिक्लेयर किए हैं। ऑलमोस्ट यू नो जो इनका कामकाजी मुनाफा है वो ऑलमोस्ट यू नो 5 गुना बड़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 117 करोड़ का प्रॉफिट आया, जो पिछले दिसंबर में करीबन सिर्फ 30 करोड़ था। तो मुझे लग रहा है कि देखिए समवेयर और द अदर मार्केट ऑब्वियसली ऐसे अच्छे नंबर्स को इग्नोर नहीं करेगी, डेफिनेटली कहीं ना कहीं वैल्यू बैंक जरूर आएगी। और इन्वेस्टर्स को ये बात सोचनी चाहिए कि अगर अभी वो खरीद रहे हैं तो डेफिनेटली उनको वैल्यूएशन उनके कम्फर्ट में है। तो आई वुड से दैट डेफिनेटली कम्प्लीटली बाइंग अवॉइड मत करिए, लेकिन हाँ चुनिंदा सेक्टर्स और स्टॉक्स पे फोकस करिए, और डेफिनेटली थोड़ा सा इंतजार करिए क्योंकि इस साल रिटर्न्स जो आएंगे वो मॉडरेटली आएंगे। पहले फर्स्ट 6 मंथ ऑफ 2022 में थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा मार्केट के लिए, उसके बाद होपफुली कोविड अगर जाता है यू नो ऑब्वियसली नॉर्मल सी आती है तो मार्केट्स में पॉजिटिविटी का रुझान डेफिनेटली आएगा। तो आई वुड से दैट यू नो जो हाई रिस्क वाले इन्वेस्टर्स है उनको मौके अच्छे सेक्टर्स और स्टॉक्स में बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करने चाहिए। गुड मॉर्निंग अजय, आई थिंक आपने सही कहा कि यूक्रेन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी से भी काफ़ी छोटी है, तो ये बात क्लियरली दर्शाती है कि कोई बड़ा खतरा इंडियन मार्केट्स को नहीं है। और मुझे लग रहा है कि जैसे आपने कहा कि जियोपॉलिटिकल जब भी टेंशन होते हैं मार्केट्स डेफिनेटली वोलेटाइल होते हैं, गैप डाउन होता है, बट ये काफ़ी छोटे समय के लिए यू नो सर्वाइव होते हैं, मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी यू नो टाइम स्पैन होती है। और ऐसे मौके मैंने पहले भी अभी आपके चैनल पे कहा है कि ऐसे मौके आपको डेफिनेटली वैल्यू बाइंग के लिए अच्छी सेक्टर्स और अच्छी कंपनीज के लिए रखने हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जहाँ पे अर्निंग्स अच्छी है, कैश फ्लो अच्छा है, कर्जा कम है, और ओवरऑल जो सेक्टर का टेलविंड पॉजिटिव है वहाँ पे डेफिनेटली इन्वेस्ट करें। तो मुझे लग रहा है कि यू नो जो हाई रिस्क और मीडियम रिस्क इन्वेस्टर्स है उनको अपना यू नो संतुलन थोड़ा सा यू नो मेंटेन करना है, और कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सी लिक्विडिटी है तो इस गिरावट में जरूर एक मौका यू नो खरीदने का करना चाहिए, क्योंकि जब भी मार्केट टर्न करेगा तो डेफिनेटली जो अल्फा बनेगा वो डेफिनेटली काफी सिग्निफिकेंट होगा। और ऐसे वोलेटिलिटी के लिए आपको पूरे साल के लिए 22 विल बी अ ईयर ऑफ बिग वोलेटिलिटी, तो वो एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ इन्वेस्टमेंट जर्नी होना चाहिए। तो डेफिनेटली कोई खतरे की बात नहीं, आई थिंक यू नो आई वुड सजेस्ट दैट जिसको अभी भी इन्वेस्ट करना है अच्छी कंपनीज में मौके काफी है, और ये भी जो इवेंट है वो भी थोड़े समय में टल जाए। इनफैक्ट मीर मुझे लग रहा है कि LIC के IPO के आसपास आपको अच्छी खासी एक्शन दूसरे यू नो लिस्टेड कंपनीज में देखने को मिलेगी, जैसे कि HDFC AMC है। हमको लग रहा है कि करंटली यू नो जो FY22 का साल है यहाँ पे कोविड का इम्पैक्ट अभी भी बाकी है, अगले साल डेफिनेटली हमको लग रहा है नॉर्मल सी आती है, तो ये सारी कंपनीज वापस नॉर्मल ट्रैक्शन में आएगी और ऑब्वियसली इसमें अच्छा इजाफा होगा। इनफैक्ट अजय मैं कहूँगा कि ऐसे बाजार में एक साथ पैसा डालना थोड़ा रिस्की है, तो थोड़ा थोड़ा पैसा जरूर डाले। तो 2-3 स्टॉक्स जो हमें पसंद है बेसिकली यू नो जो फ्रंट लाइन कंपनीज है वहाँ पे हमको लग रहा है कि L&T एक ऐसी कंपनी है जो फास्टर एग्जीक्यूशन ग्रोथ दिखा सकती है, तो यहाँ पे कोई भी कमजोरी आती है तो यू नो ऑब्वियसली जो टेलविंड्स है वो तो पॉजिटिव है ही। दूसरा सेक्टर है हेल्थ केयर, जो हमको लग रहा है कि बहुत अच्छी तरह से इस साल ग्रो करेगा। इनफैक्ट मैं हॉस्पिटल सेक्टर की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। हमको लग रहा है कि ये सेक्टर बहुत समय तक अंडर परफॉर्म कर रहा था, और अगर हम सारी कंपनीज के नतीजे देखें जैसे अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हेल्थ केयर, तो यहाँ पे नतीजे बहुत अच्छे आए हैं। डेफिनेटली हम समझते हैं कि यहाँ पे खरीदने के मौके बन सकते हैं, और ऑब्वियसली जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है स्पेशली ऑटो कंपोनेंट स्पेस में, तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली जो टेलविंड्स है वो पॉजिटिव हो रहे हैं। तो ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स ये भी एक ऐसा सेक्टर है जो 2022 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारत फोर्ज, ये ऐसी कंपनियां हैं जो गिरावट में मैं सजेस्ट करूंगा कि एक पोर्टफोलियो के लिए एक्यूमुलेट करना चाहिए, और वो एलोकेशन जो एसेट एलोकेशन होना चाहिए वो मेरे ख्याल से धीरे धीरे इक्विटीज में बढ़ाना चाहिए। गैप डाउन कितना टाइम तक रहेगा, कितने लेवल तक इंडेक्स जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली बाउंस बैक आएगा, तो ये सारे कंपनीज और सेक्टर्स में जो टेलविंड्स है इसमें डेफिनेटली रिकवरी काफी फास्ट होगी।